नमस्कार दोस्तों, स्टॉक ऊपर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे CDSL के बारे में। इस कंपनी की बात करते हैं, इससे भी रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। हालांकि अभी तक के जितने भी टारगेट दिए थे सारे के सारे अचीव हुए हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि आने वाले समय में एक टाइम तो ऐसा आएगा कि कभी तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस जाके रुकेगा कहीं पे। देखिए, एक आपके पास बताना चाहते कि एक अगर मैं आबादी की बात करूँ, जनसंख्या की बात करूँ, तो उसमें एक लिमिटेड जनसंख्या है दोस्तों। तो इसका एक क्राइटेरिया है, तो कहीं ना कहीं तो आप जाके रुकोगे। जब पूरा डीमैट अकाउंट सब खोल लेंगे फिर उसके बाद क्या होगा? तब तो रुकेगा, तब तो आपका मतलब कि फ्लैट आएगा या थोड़ा सा स्लो आएगा, तब तो जाके रुकोगे। तो इस हिसाब से देखा है तो आने वाले समय में मेरे पॉइंट से एक कंपनी किसी समय में स्लो चल सकती है। हालांकि चल सकती है नहीं चल सकती, आप चाहे तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, फिर भी देखा जाए मतलब जो मेरा तजुर्बा कहता है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो आप जाके रुकोगे, ये हो सकता है। हालांकि अभी बोनस के बाद में अगर बात करूँ तो इस स्टॉक में अपने को एक प्रेशर क्रिएट होते हुए दिख रहा है। तो बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए गिरावट में? जिससे रेट में बात करूँ तो बहुत सारे इंटरेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे रिसेंटली बाई किया होगा, हो सकता है कॉर्पोरेट एक्शन के पहले भी बाई किया होगा, तो उनको भी अभी क्या करना चाहिए जिससे रेट में बात करूँगा। हम आगे CDSL के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो यहां पे एक महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी आज भी प्रेशर जनरेट हो रहा है। ऐसा नहीं तो कंपनी के अगर आप 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो 7% कंपनी डाउन हो गई है। आज भी अगर मैं बात करूं तो लगभग 2% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जो भी तेजी देखने को मिली है 6 महीने में लगभग 63% 64% का रिटर्न है। वाई टू डेट में अगर मैं बात करूँ तो वही देखने को मिलेगा। हालांकि एक साल में कंपनी ने 120% का रिटर्न बना के दिया, 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1314% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, इस 5 साल के अगर आप चार्ट को थोड़ा सा नोटिस करेंगे, देखिए ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर दें, किसी की हिस्ट्री भी नोट करने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, वापस गिरावट देखने को मिली, अगेन तेजी देखने को मिली, तो अभी छोटा सा अपने को गिरावट देखने को मिला था। ऐसा नहीं कि एक माइनर सा गिरावट है, बहुत ज़्यादा बड़ा अपने को अभी तक गिरावट देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे अगर न्यूज की मैं बात करूँ तो CDSL अनाउंस ए न्यू प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, चेक द रिवाइज टैरिफ प्लान, जो कि मतलब देखिए दोस्तों अभी आप सभी लोगों को पता है कि इसके पास अर्निंग कहाँ से है। अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इनके पास जो हम और आप शेयर डिलीवरी में परचेज करते हैं वही शेयर से इनके पास जो 20 रुपीज़ 15 रुपये जो भी एक CDSL का चार्ज होता है दोस्तों, सेंट्रल डिपोजिटरी का, आप सभी लोगों को पता है बेचने के बाद वो चार्ज इनको इनके पास जाता है। जिसकी अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि रिवाइज इससे मतलब कि जो ये टैरिफ रिवाइज करने की बात कर रहे हैं इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है। हालांकि 1 अक्टूबर से जो कि ये इफेक्टिव भी हो जाएगा, और जिसका इम्पैक्ट देखा जाए तो इतना कुछ खास अभी तक देखने को मिला नहीं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आफ्टर सेबी डायरेक्टिव की बात करें, CDSL इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फीस जो 3.5 रुपये पर डेबिट ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं, उससे रिलेटेड बात हो रही है। ताकि यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर के पास 15-20% का स्टेक देखने को मिलता है, बाकी FIs के पास 14% का स्टेक है, और 24% देखा है तो DIs के पास देखने को मिलती है। बाकी बचा हुआ स्टेक दोस्तों 50% का स्टेक आप कह सकते हैं कि पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। अभी तक अगर आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कि जो बहुत सारे जगह पे आपने सुना होगा कि मार्केट में गिरावट तो हो जाए लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने इसको संभाल के रखा है। तो इस चीज़ की अगर बात करूँ तो रिटेल इन्वेस्टर के कारण ही इस कंपनी को भी कमाई हो रही है। यहाँ पे आप देखते हैं लगभग इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है दोस्तों, 3 साल में 33% है, 5 साल में भी 33% है, ये थोड़ा सा एक फ्लैट तो हुआ। ऐसे ही किसी समय में इस कंपनी का जो रिजल्ट रहेगा वो थोड़ा सा फ्लैट जैसे ही होगा वैसे ही हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, और थोड़ा सा अगर डाउन हुआ मतलब कि जबरदस्ती बुकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे अगर कंपनी के आप परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वही अभी तक 1000 करोड़ का भी मार्केट मतलब जो इनका सेल्स है वो जनरेट नहीं कर पा रही कंपनी। हाँ, ऐसे में एक यहाँ पे इस चीज़ को आप नोट करो कि 551 करोड़ का सेल्स हुआ था अगले साल, उसके बाद भी 555 करोड़, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेजी देखने को नहीं मिली थी। जो भी तेजी देखने को मिली दोस्तों यही पे है। आप कह सकते हैं कि 555 के बाद सीधा 800 हो गया, जिसके कारण स्टॉक भी अभी मतलब कि साल भर में 120% का रिटर्न बना के दिया है। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है सबसे पहले दोस्तों बताने, देखिए जिनके पास भी है मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो इसको मतलब कि करेंट प्राइस पर अगर आप बाई कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है कि कंपनी की जो मोनोपॉली थी अभी अजय स्टॉक मार्केट के हिसाब से मोनोपॉली है। हालांकि NSDL भी मार्केट में आने वाला है, उसके बाद इस कंपनी की मोनोपॉली भी खत्म होगी अजय स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो पहले भी कंपनी के परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वापस रफ्तार, वापस गिरावट, वापस तेजी, मतलब ये भी चीज़ आपको नोट करके चलना है। गिरावट होती है दोस्तों, अभी मेरे पॉइंट से देखिए जो भी
जो बाई करना चाहते हैं हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं, गिरावट होती है तो ये कंपनी 1200 रुपये तक आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के आसपास ट्रेड कर सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे और टाइम भी लग सकता है। आपको क्या लगता है शायद हमको कमेंट कर सकते हैं। हालांकि जो रिटेल फंसा हुआ अपने आप को फील कर रहे हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई भी फंसा नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, 6-7%, 8% जो कि दोस्तों बहुत सारी कंपनियां कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद डाउन होती है, तो बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में अभी तक गिरावट नहीं हुई है। हालांकि बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां होती है जो 20-20%, 25-25% गिर जाती है कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद, तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।